Good morning children, myself Nandini madam, class nursery. Today I teach you English, some patterns. आज कुछ हम लोग कुछ pattern करेंगे English का. What's come after letter? What's come after letter? मतलब after का मतलब बाद का, बाद में जो letter आता है. जैसे कि पहले हम लोग letter लिखेंगे, letter A, B, C, D, E, F, G, H. ये लेटर है A, B, C, D, E, F. इसमें हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, जो लेटर के बाद क्या क्या आता है उसको हम लोग आज जानेंगे. जैसे कि लेटर A के बाद क्या है, B है. A के बाद B है. B के बाद कौन सा लेटर आता है, C. C के बाद कौन सा लेटर, D. डी के बाद कौन सा लेटर, ई. ई के बाद कौन सा लेटर, एफ. एफ के बाद, एफ के बाद कौन सा आता है, जी. तो जी, जी के बाद कौन सा लेटर आता है, एच. तो जो उसके बाद, लेटर के बाद जो आता है उसको बोलते हैं आफ्टर लेटर. ए के बाद जो भी वर्ड आता है, जो भी लेटर आता है उसको बोलते हैं बाद में, बाद वाला लेटर. ए के बाद, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच. एग्जाम्पल हम लोग देंगे अभी. एग्जाम्पल्स, पहले लेटर ए. ए बी सी डी ई एफ, जैसे कि हम लोग लिखे ए बी सी डी ई एफ. ए आफ्टर लेटर लिखेंगे, आफ्टर का मतलब है उसके बाद. ए के बाद क्या है, फिर वो लेटर के बाद क्या होता है, फिर जो भी लेटर देंगे उसके बाद क्या आता है. तो पहले हमने लिख दिया लेटर ए, तो ए के बाद, ए के बाद कौन सा लेटर आता है. पहले यहाँ से देखो, ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी होता है. तो ए के बाद बी आता है, ए आफ्टर बी. अभी ए बी हो गया, तो बी के बाद क्या, कौन सा लेटर आएगा, बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, बी के बाद, और बी आफ्टर सी. बी आफ्टर क्या है, सी है. बी आफ्टर सी, बी आफ्टर सी. तो सी के बाद क्या आता है हम लोग देखेंगे. सी के बाद कौन सा लेटर है, सी के बाद लेटर डी है. तो सी के बाद लेटर क्या आएगा, डी. अभी आ गया डी. डी के बाद, डी आफ्टर, डी आफ्टर क्या है, डी आफ्टर ई है. तो डी आफ्टर क्या है, ई है. तो ई लिखेंगे. उसके बाद आ गया लेटर ई. ई के बाद क्या है भाई, ई आफ्टर क्या है. तो ई आफ्टर क्या है, ई आफ्टर एफ है. अभी क्या है, एफ. एफ आफ्टर, एफ के बाद, एफ के बाद कौन सा लेटर आएगा. तो एफ के बाद कौन सा लेटर है, एफ के बाद जी है. अभी लेटर हो गया आफ्टर लेटर, जो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है. ऐसे करके जितना भी लेटर, जैसे कि जी के बाद क्या है, एच. जी के बाद एच. ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच. ऐसे करके उसके बाद, बाद लेटर क्या होगा ना, जी, जो भी लेटर होगा उसके बाद का लेटर लिखा जाए, वो आफ्टर है, आफ्टर लेटर है, वो बाद का लेटर है. जो लेटर है उसके बाद जो लेटर आता है उसको आफ्टर लेटर बोलते हैं. तो बच्चों, आज तुम लोग का वर्ड्स कम आफ्टर लेटर है, उसको तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना, होमवर्क प्रैक्टिस एट होम. थैंक यू.